हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत सारे स्पेशल से स्टेशनरी सेट। तो चलो दोस्तों, कर लेते हैं इनके रिव्यू। तो रिव्यू करने से पहले दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, प्लीज कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये दोस्तों, तो दोस्तों ये आ जाता हमारे हाथ में, एक एलईडी लैंप आ जाता। आप देख सकते हो तो कितना अमेजिंग लग रहा है, स्पेस वाला है, एलईडी लैंप है दोस्तों। चलो मैं इसकी खास बात आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसको आगे से और पीछे से मैं आपको दिखा दूँ। कुछ इस प्रकार से दिखता है दोस्तों। यहाँ पर एक यूएसबी चार्जर मिल जाता है और यहाँ पर एक मोड मिल जाता है जिसे हम अपनी लाइट्स को ऑफ ऑन कर सकते हैं दोस्तों। और खासकर यहाँ पर एक मैन है जो स्पेस में जाता है और एक ये लॉन्चर है दोस्तों जो स्पेस में जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी बात करूँ तो दोस्तों ये है हमारा एक शार्पनर जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ से हम पेंसिल को शार्प कर सकते हैं दोस्तों। और जो इसका डस्ट है दोस्तों वो इसके अंदर आ जाता है और इसको हम बाहर डस्टबिन में फेंक सकते हैं इसका डस्ट। काफ़ी अमेजिंग हमारा एक शार्पनर हो जाता है, काफ़ी इनक्रेडिबल है दोस्तों। चलो इसको तो मैं रख लेता हूँ और बताता हूँ फिर मैं आपको इसके बारे में। तो दोस्तों इसको भी मैं निकाल सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये हमारा स्टैंड है, सिंपल स्टैंड है और ये बाद में हमारा पेन स्टैंड भी बन जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसकी, तो यहाँ पर हमें एक मोड मिल जाता है, यहाँ पर लाइट ऑन का। यहाँ पर दो मोड होते हैं, दोनों मोड को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अगर पहला मोड में इसे ऑन करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइट जलने लगती है, आप देख सकते हो, तो काफ़ी अमेजिंग है। और इसकी लाइट है ना, कलर चेंज करती रहती है, आप देख सकते हो। अभी ग्रीन है, ब्लू है, डार्क ब्लू है, पर्पल है, ये देख सकते हो, तो काफ़ी अमेजिंग है इसकी लाइट, कितनी इनक्रेडिबल है। तो चलो दोस्तों मैं लाइट बंद करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, लाइट बंद करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखता है, काफ़ी अमेजिंग दिख रहा होगा आपको, काफ़ी इनक्रेडिबल लग रहा होगा। चलो एक मोड हो रहा है दोस्तों, इसको मैं लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी टेबल लैम्प है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। आप देख सकते हो काफ़ी इनक्रेडिबल, अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, काफ़ी ब्राइटनेस है इसमें, ये एलईडी काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। आप देख सकते हो, रात के अंधेरे में आप इसे पढ़ सकते हो। तो चलो दोस्तों उसको रख लेते हैं अपने पास। और दोस्तों बड़े आगे की तरफ, तो एक और मेरे पास है टेबल फैन है दोस्तों, बहुत ही इनक्रेडिबल है, मजे वाला दोस्तों। चलो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा टेबल फैन है दोस्तों, जो आपको दिख रहा होगा काफी अमेजिंग है, काफी इनक्रेडिबल आपको लग ही रहा होगा। ये जो है दोस्तों एक लेंस है, इसमें भी एक लाइट जलती है दोस्तों। मैं आपको एक मोड दिखा देता हूँ दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं, ये तीन मोड मिल जाते हैं, एक यूएसबी केबल चार्जर मिल जाता है। अगर मैं पहले मोड को दोस्तों अगर मैं ऑन करूँ, तो दोस्तों मैंने पहला मोड जैसे ही मैंने ऑन करा तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लाइट जलने लगती है, आप देख ही रहोगे वाकई में। और ये लाइटें भी कलर चेंज करती है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, काफ़ी इनक्रेडिबल है, लाइट भी कलर चेंज कर रही है। और दोस्तों थर्ड मोड जो आ जाता, सेकेंड मोड जो आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो दोस्तों यहाँ पर चलने लगता है हमारा फैन, जो काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है, काफ़ी इनक्रेडिबल है दोस्तों। अगर बाई चांस अपने घर की अगर लाइट चली जाती है तो आप इस टेबल फैन से आप अपनी हवा कर सकते हो दोस्तों, और जो टेबल लाइट थी उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कि काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी इनक्रेडिबल ये हमारे सोर्स हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों इनको रख लेते हैं अपने पास। और हाँ दोस्तों, मैंने अभी तक इनके प्राइस आपको बताए नहीं है दोस्तों। जो टेबल जो लाइट थी वो हमारी 250 रुपीज़ की थी ऑफलाइन मार्केट से, और मैं टेबल फैन की बात करूँ तो ये 230 रुपीज़ का मिला हमें ऑफलाइन मार्केट से। तो दोस्तों दोनों के प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले लेते हैं, फिर ये लेते हैं, BTS का एक सुपर पाउच है जो काफ़ी अमेजिंग आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी इनक्रेडिबल लग रहा है, मुझे तो वाकई बहुत मज़े वाला लग रहा है दोस्तों। चलो इसको कर लेते हैं ओपन। वाओ दोस्तों, जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखने लगता है, जो काफ़ी इनक्रेडिबल लग रहा है दोस्तों। एक पाउच जो इसको हटा भी सकते हैं, इसको अपने साइड में भी रख सकते हैं, इसमें काफ़ी छोटी छोटी अपनी स्टेशनरी आ सकती है दोस्तों, फिर दोबारा इसको हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी एक पाउच मिल जाता है जो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी इनक्रेडिबल है दोस्तों, छोटा मिनी पाउच जिसमें हम अपनी स्टेशनरी रख सकते हैं। और दोस्तों करें तो बड़ा वाला जो स्पेस है कुछ इस प्रकार से हमें देखने के मिल जाता है, इसमें जो फॉर्म है उसको निकाल सकते हैं, और इसमें के अंदर काफ़ी सारी हमारी स्टेशनरी आ जाती है दोस्तों। और इसके अंदर एक आपको प्लास्टिक की कवरिंग मिलेगी जो हमें वाटरप्रूफ बनाती है इस पाउच को दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास। दोस्तों बड़े आगे की तरफ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्पेशली
ये हमारी हेलो किटी की स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स जो मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये बनी है दो ज्योमेट्री बॉक्स को मिला के एक ज्योमेट्री बॉक्स बनती है, ये है जंबो ज्योमेट्री बॉक्स हम बोल सकते हैं। चलो दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन। दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है, कलरफुल है हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स, और बैक साइड से देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, जहां पर हमें ए बी सी डी मिल जाती है, मीन्स अल्फाबेटिकल्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। कुछ प्लस माइनस का स्पेस दे रखा है, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर माइनस यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बता दूं तो 1 से लेकर 9 तक हमें टेबल्स दे रखी जो काफी अमेजिंग है, आप देख सकते हो काफी बढ़िया टेबल्स इसके अंदर दे रखी है, हम इसमें लर्न कर सकते हैं दोस्तों 2 से लेकर 9 तक। तो चलो दोस्तों इसको मैं बता दूं आपको ओपन करके। तो दोस्तों जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक मिल जाता है हमें शार्पनर मिल जाता है जो सीजर की शेप में हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। और बात करें इरेजर की दोस्तों, एक हमें इरेजर मिल जाती है कुछ इस प्रकार से जो काफ़ी अमेजिंग है, नॉन डस्ट वाली इरेजर है दोस्तों। और दो हमें पेंसिल्स मिल जाती हैं और एक मिल जाता है हमें रूलर। तो रूलर आपको दिखा दो जो काफ़ी इनक्रेडिबल है, बिल्कुल स्ट्रेचेबल है, बिल्कुल लेंथ है, बढ़िया लाइट कलर का ये और लाइट वेट है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर का ये देखने के मिल जाता है हेलो किटी का रूलर दोस्तों। तो चलो दोस्तों ये था हमारा स्टेशनरी सेट, और इसके नीचे एक और चीज़ हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों। बात करें इसकी तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक हेलो किटी की एक बुक मिल जाती है दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग है रफ बुक। इसमें छोटे छोटे नोट्स हम इसके अंदर लिख सकते हैं या फिर अपना रफ वर्क इसके अंदर हम कर सकते हैं, जो काफ़ी अमेजिंग है। हेलो किटी की नोटबुक काफ़ी इनक्रेडिबल आपको दिख ही होगी। तो चलो दोस्तों इसको भी रखते हैं अपने पास, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों दिखा देता हूँ, अब मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, नियोन कलर दिखा देता हूँ। ये हमारे 1.0 mm वाले नियोन कलर पेन है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग पेन्स आपको देखने के मिल जाते हैं। तो इसमें कितने पेन्स आपको देखने के मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे 24 पेन आपको देखने के मिल जाएंगे। और कलर की बात करूँ तो आपको ये सारे कलर आपको देखने के मिल जाते हैं इसमें, 24 के 24। तो चलो दोस्तों ये काफ़ी अमेजिंग पाउच हो जाता है, काफ़ी इनक्रेडिबल है दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार है। चलो इसको भी रख लेते हैं अपने पास, काफ़ी इनक्रेडिबल हो जाता है दोस्तों। बढ़े आगे की तरफ, तो दोस्तों ये चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर मिल जाती है हमें टाइगर कैट वाली एक हमें पिगी बैंक मिल जाता है, जो काफ़ी अमेजिंग है, इनक्रेडिबल हो जाता है। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन, कितना जंबो लग रहा है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है। आपको अगर मैं चारों साइड से दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, वाओ। तो ये खुल चुका है, चलो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से बंद कर लेते हैं दोस्तों। और यही मैं बता दूँ तो यहाँ पर हम हैंड कैरी भी कर सकते हैं इसको, ये पिगी बैंक। और यहाँ पर अपने में हम कुछ डाल सकते हैं, यहाँ पर हम नोट्स या फिर कॉइन्स इसके अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। इसको ओपन करें तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें देखने के मिल जाता है। तो ये है दोस्तों हमारी टाइगर कैट वाली ये पिगी बैंक, जो काफ़ी अमेजिंग है, इनक्रेडिबल है दोस्तों। चलो इसको भी रख लेते हैं अपने पास दोस्तों। फिर आ जाते हैं इसके पास, तो दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है हमें कलर्स पेंसिल मिल जाती है दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग इनक्रेडिबल आपको दिख ही रही होंगी। आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन हमें कलर्स पेंसिल दिख रही हैं, ये है इमेजिना क्रिया कलर्स सोनीरिया। तो दोस्तों ये काफ़ी अमेजिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर कितने कलर्स वाली पेंसिल मिल जाती है दोस्तों। मैं आपको गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों 12 हमें ये पेंसिल मिल जाती है, जो कि कलरफुल है, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। और इनके साथ मिल जाता है हमें 12 शार्पनर हमें देखने के मिल जाता है, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इनको भी रख लेते हैं अपने पास, जो काफ़ी अमेजिंग पेंसिल्स हैं दोस्तों। चलो बड़े आगे की तरफ, तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मिल जाती है एक हमें वाह पोपिट की एक डायरी मिल जाती है, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। यहाँ पर हम पोपिट को दबा भी सकते हैं, जो काफ़ी इनक्रेडिबल लगते हैं दोस्तों। चलो मैं इन पोपिट को दबा देता हूँ, फिर मैं इनकी आपको साउंड सुनाता हूँ कि कैसी लगती है दोस्तों। अभी तो आपको कुछ भी साउंड नज़र नहीं आ रही होगी, सॉरी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। चलो मैं इनको, ये तो बंद भी नहीं हो रहा दोस्तों ये, चलो वाह देखो। चलो दोस्तों इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद अगर मैं इसको दबाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप। तो आपने इनकी साउंड सुनी ली होगी, क्या अमेजिंग साउंड है, कितनी बढ़िया साउंड है, मैंने आपको सुनाई दी है, बहुत ही
सेटिस्फेक्शन इसमें फील होता है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग फील होता है दोस्तों। इसका पाउच में अगर ओपन करूँ तो कुछ इस प्रकार से ओपन होता है, और यहाँ पर हमें दो पेंसिल्स हमें देखने के मिल जाती है जो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी इनक्रेडिबल है दोस्तों। तो ये हमारा है पॉपिट वाली डायरी है, और इनके पेज की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी स्मूथ पेज हमें देखने के मिल जाते हैं। स्पायरल वाली हमें डायरी देखने के मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग मैट है इसका। चलो दोस्तों उसको रख लेते हैं अपने पास। दोस्तों आगे की तरफ बढ़े तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर मिल जाती है कि हमें छोटा भीम की एक ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है जो वाकई में काफ़ी अमेजिंग होने वाली है दोस्तों। चलो इसको कर लेते हैं ओपन। दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमें इंटरफेस देखने के मिल जाता है, जिसमें एक हमें पेंसिल फ्री मिल जाती है और एक वाइट डस्टर हमें देखने के मिल जाता है दोस्तों। अगर डस्टर मिला तो इसका मतलब इसके अंदर एक वाइट बोर्ड भी होगा पक्का। तो दोस्तों चलो हम इसको कर लेते हैं ऊपर से साइड में कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम उसको साइड हटाते थे, यहाँ पर दो चीज़ और हमें देखने के मिल जाती है। एक मिल जाता है हमें पेन वाला वाइट मार्कर देखने के मिल जाता है जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, और एक रूलर देखने के मिल जाता है जिसे हम स्केल बोलते हैं, वो भी 15 सेंटीमीटर का दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग है, वाइट कलर ट्रांसपेरेंट का। दोस्तों इसके व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये ऐसे करके निकल के बाहर आता है जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों, काफ़ी इनक्रेडिबल लग रहा है। तो ये फुल कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स का जो सारी की सारी चीज़ें हमें देखने मिल जाती है, और यहाँ पर हम कुछ इसके पास लिख सकते हैं दोस्तों। चलो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं POPU पोपो रिव्यू। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलो अगर मैं इसे मिटाने की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाता है, ये देख सकते हो आप, पता भी नहीं कर सकते कुछ लिखा था या नहीं लिखा था यहाँ पर। तो काफ़ी अमेजिंग ज्योमेट्री हो जाती है, काफ़ी बढ़िया ज्योमेट्री मिल जाती है हमें। और चलो दोस्तों इसको रखते हैं अपने पास, मिलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये हमारी एक USB केबल जो मैंने आपको बताया था, एक टेबल लैम्प था हमारे पास, एक टेबल फैन था, तो उसकी USB केबल है जिससे चार्ज होता है। तो चलो दोस्तों इसको रख लेते हैं अपने पास। और ये है दोस्तों आखिरी में हमारे पास मिल जाता है कुछ स्टेशनरी सेट जो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ इसमें मिलती है दो पेंसिल, 4 इरेजर्स और एक शार्पनर हमें देखने के मिल जाता है। चलो दोस्तों उसको कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये देखो दिखाऊँ दोस्तों, तो ये तो दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के मिल जाता है। दो यहाँ पर मेन मिल जाते हैं दोस्तों जो काफ़ी अमेजिंग है, और एक हमें शार्पनर मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया शार्पनर है, और दो फुटबॉल जो है ये हमारे इरेजर्स होती हैं दोस्तों, और जो ये दो मेन्स है ये भी हमारे इरेजर्स होती हैं, और यहाँ पर मिल जाती है दो पेंसिल दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसे हम प्ले करें तो प्ले दोस्तों कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक लेके तो दोस्तों इसके अंदर जो पेंसिल्स है, इसको पेंसिल्स को हम इसके अंदर ये ऐसे फिट करेंगे, और दोस्तों घुमा घुमा के इसके अंदर फिट कर देंगे दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग है। तो दोस्तों एक साइड जो होता है ये खड़ा होता है, एक साइड दोस्तों ये खड़ा होता है, ऐसे हम फुटबॉल मारते हैं और ऐसे प्ले करते हैं दोस्तों। ये जैसे फुटबॉल आएगी इसको ऐसे मारो, फिर ऐसे मारो, फिर ऐसे मारो। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी काफ़ी अमेजिंग गेम हो जाती है, विद स्टेशनरी प्लस में गेम हो जाती है जो काफ़ी अमेजिंग है। और दोस्तों एक खास बात बताऊँ, अगर इसको हम फाड़ देंगे, फैला देंगे, तो यहाँ पर एक कोर्ट बन जाता है हमारा फुटबॉल वाला, जो काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसको रख लेते हैं अपने पास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से कलेक्शन के साथ, कुछ अच्छे से कंटेंट के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।